इंट्रोड्यूसिंग स्केचर्स का न्यू आर्कफिट शूज। ओके, वैसे कमर्शियल में भी तो आर्च फिट ही कहते हैं। आई थिंक नथिंग बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस, यू नो। यस, बट फॉर व्हाट? आज हम परफॉर्मेंस रिव्यू करने जा रहे हैं स्केचर्स का न्यू आर्च फिट शू। स्केचर्स ब्रांड के मोस्ट ऑफ द शूज अनडाउटेडली काफी कंफर्टेबल रहते हैं। ये शूज की अगर बात की जाए आर्च फिट की, तो ये शूज भी काफी कुशनिंग के साथ साथ लाइट वेट है। अगर ये शूज के वेट की बात की जाए तो वेट अप्रोक्सीमेटली 240 ग्राम्स के अंदर है। स्केचर्स ब्रांड की अगर मानी जाए तो 20 इयर्स का जो उनका रिसर्च डेटा है उसके बेस पे उन्हें ये टेक्नोलॉजी तैयार। स्ट्रक्चर है इनसोल का जो एक आर्क सपोर्ट के साथ मर्ज है, इसको पॉडियाट्रिस सर्टिफाइड है। इस टर्म को इस वीडियो में लेटर ऑन समझेंगे अच्छे से। अब शूज के टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। शूज के अपर में दिया हुआ है एथलेटिक इंजीनियर नीट मेश। ये मेश काफी लाइट वेट है और साथ साथ में ब्रीथेबल है। कुछ पार्ट्स में सॉफ्ट वोवन मटेरियल भी यूज किया है जो सिंथेटिक मटेरियल का बना हुआ है। दो पार्ट में यूज किया है स्मूथ सिंथेटिक ओवरले जो टो सपोर्ट के साथ साथ आपको प्रोटेक्शन भी देता है। स्लिक सिंथेटिक पैनल बनाई गई है अपर में जो अपर को ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। मेटल आईलिड्स आर बीन यूज्ड टू इजी वेयर एंड रिमूव द लेसेस। कॉलर और टंग पैडेड है और साथ साथ में आर्च फिट लोगो डिटेलिंग भी दिया हुआ है टंग में एज वेल एज ऑन द मिडसोल पैनल में। अब मिडसोल की बात करते हैं। मिडसोल बनाए कुशनिंग लाइट वेट ईवा मटेरियल से। आउटसोल की बात करें तो आउटसोल टो से पूरा रैप किया हुआ है और फ्लेक्स ग्रुप के साथ लाइट वेट कार्बन यूज किया गया है। मेरे ओपिनियन से स्केचर्स ने ये शूज बनाया हुआ है उन कस्टमरों के लिए जिनका फ्लैट फिट का इशू होता है, यानी जिनको प्रोनेशन कहते हैं। प्रोनेशन में जनरली क्या होता है, आपका जो आर्क जो होता है नेचुरल आर्क वो जो होता है वो फ्लैट होता है, तो या फिर ये बाय बोन होता है या फिर कभी गलत शूज पहनने से भी हो जाता है आपका पैर। तो इस सर्कमस्टेंसेस में कुछ शूज ऐसे होते हैं जिनमें आपको एक मैन मेड या फिर आपको एक आर्टिफिशियल आर्क की जरूरत पड़ती है। तो ये आर्क आपको स्केचर्स ने अपने एंड से प्रोवाइड किया हुआ है जिससे क्या है कि आपको वो नेचुरल मूवमेंट मिले आपके पैर को या आपका पैर पेन ना हो उस चीज़ को लेकर। तो ये शूज़ बेसिकली मैं प्रीफर करूँगा उन लोगों के लिए जिनको फ्लैट फिट का इशू है, तो एक आपको इंटरनल आर्क सपोर्ट मिल रहा है। बट अगर दूसरे एंड से देखा जाए तो न्यूट्रल यानी जिनके नेचुरल आर्क एकदम प्रॉपर है, मेरे जैसे बंदे, मेरा भी एकदम नेचुरल आर्क है तो उसको न्यूट्रल कहते हैं, तो मेरे को कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे टर्म्स में अगर मैं यूज़ करूँगा ये शूज़ को तो, बट ऑब्वियसली ये शूज़ मेरे को थोड़ा बहुत इरिटेशन तो ज़रूर देगा बिकॉज ऑलरेडी अगर मेरा नेचुरल हैविंग अ नेचुरल आर्क देन वाई शुड आई गो फॉर दिस एडिशनल आर्क सपोर्ट। सो ये चीज़ ऐसा है कि आपको वो आर्क सपोर्ट कुछ काम लगने वाला नहीं है, बट ऑब्वियस आपको वो इरिटेशन ज़रूर देगा। सो जिसने आपको एक अच्छा ऑप्शन दिया है, आप क्या कर सकते हो, ये इंसोल को निकाल सकते हो। जी हाँ, ये रिमूवेबल इंसोल है, इसको निकाल के आप नॉर्मल इंसोल भी इंसर्ट कर सकते हैं जिससे क्या है कि आपको वो इरिटेशन बिल्कुल ना हो और आप एक न्यूट्रल शूज़ की तरह वो शूज़ को ऑब्वियसली पहन सकते हैं। एंड प्लस एक ओपिनियन ये भी है मेरा कि अगर आपका आर्क का सपोर्ट अगर रिमूवेबल है, मतलब रिमूवेबल है, निकाल डाल सकते हैं आप तो, बट ऑब्वियस अगर आप ये शूज़ को किसी इंटेंस वर्कआउट या फिर इसे एक्सट्रीम लेवल रनिंग या फिर कोई एक्टिविटी में यूज़ करोगे तो शायद ये जस्टिफाइड ना हो। बिकॉज क्या है कि आप जब कोई भी हार्ड मूवमेंट करते हो या आप जब कोई हार्ड मूवमेंट करते हो तब आपका जो पैर का एब्रेशन है वो अंदर यानी जो हलचल है वो बढ़ जाती है। इस केस में हो सकता है जो इंटरनल फुट बेड जो है, जो आर्क सपोर्ट अंदर सॉक लाइनर में यूज़ किया गया है इस ब्रांड ने, हो सकता है वो डिसलोकेट हो जाए। तो मे बी हो सकता है कि आप ये पहनने के बाद, आपका अगर फ्लैट फिट है, आप पहन के एक्सरसाइज या रनिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये अपनी जगह से हिले बिकॉज ये अटैचेबल नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि नाइक, एसिक्स और एडिडास जैसी ब्रांड जो है वो मिड सोल से ही अटैच करके रखते हैं अपनी ऐसी टेक्नोलॉजी से, जिससे क्या है वो प्रिफरेबली उसी कस्टमर्स के लिए हो जाता है जो कस्टमर का वो इशू है। तो वो कैटेगरी का सेगमेंट वो लोगों ने अलग रखा हुआ है। तो ये शूज़ है वो नेचुरल आर्क वालों के लिए बिल्कुल ही अलग शूज़ बना रहता है। उस कैटेगरी के शूज़ को बेसिकली वो न्यूट्रल पैर वाले कस्टमर्स को रिकमेंड नहीं करते। अब यहाँ स्केचर्स ने ये कर दिया है कि शायद दोनों कस्टमर को एक ही शूज़ से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली अगर आप न्यूट्रल हो यानी आपका नॉर्मल आर्क है तो भी आप ये शूज़ ले सकते हो, और अगर आपका फ्लैट फीट है यानी प्रोनेशन का इशू है तो भी आप शूज़ ले सकते हो। तो इस पॉइंट माइंड ऑफ सेट से शायद स्केचर्स ने ये शूज़ बनाया गया है।
तो बट ऑब्वियस एक नया टेक्नोलॉजी है तो आपको ट्राई तो करना चाहिए शूज़ को, बट ये क्लियरली स्केचर्स के किसी वेबसाइट में मेंशन नहीं है कि ये रनिंग शूज़ है, बस वॉकिंग को ज़्यादा फोकस किया गया है और डेली वेयर को ज़्यादा फोकस किया गया है। गाइस डेली वेयर और रनिंग जो चीज़ है वो दोनों अलग है, यस डेली वेयर और वॉकिंग जो है वो थोड़ा सिमिलर रहता है, तो यहाँ कहीं स्केचर्स ने मेंशन नहीं किया है कि ये प्योर रनिंग शूज़ है। फर्स्ट थिंग सिर्फ ये कहा है इट्स गुड फॉर वॉकिंग, वॉकिंग को ज़्यादा फोकस किया गया है ये शूज़ के आर्टिकल्स में एंड डेली वेयर को भी ज़्यादा फोकस किया गया है। सो आई कांट से कि 100% ये रनिंग में आपको काम लगेगा या नहीं लगेगा, सो इट्स अ सब्जेक्ट। पोडियाट्रिस्ट टर्म को आप समझते हैं, पोडियाट्रिस्ट टर्म बेसिकली उन लोग के लिए यूज़ किया जाता है जो एक प्रोफेशनल सर्जन है एंकल के और आपके फीट के बेसिकली, तो ये एक प्रोफेशनल सर्जन से जो बेसिकली इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आपके एंकल है, आपके फीट है और आपके पैर के मसल्स जो होते हैं, तो ये उनसे सर्टिफाइड है, यानी बट ऑब्वियस ये उनसे कुछ रिकमेंडेशन लेके या फिर उनके टेस्टिंग में ऑब्वियसली पास होने के बाद ही ये आप कस्टमर्स तक पहुँचा है। सो अकॉर्डिंग टू माई सजेशन यू मस्ट ट्राई दिस शूज़। अगर आपने शूज़ परचेज किया तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको इसका एक्सपीरियंस, एंड दिस इज़ द ओनली शूज़ जो मशीन वॉश हो सकता है आई थिंक, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स शूज़ जो होते हैं उनमें रेकमेंड नहीं होता है कि आप मशीन वॉश कीजिए। दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू थिंग दैट स्केचर्स हैज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, सो कॉम्पिटिटर्स को भी अब लगता है कि इनको भी धुलाई करनी पड़ेगी मशीन में डाके कुछ शूज़ के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैंशन करिए, और अगर आपने शूज़ परचेज किया है देन प्लीज़ आपके रिव्यू और इस शूज़ के बारे में एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और शूज़ को अनबॉक्सिंग करूं या रिव्यू करूं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग शूज़।